हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है टेक सेंट्रल में। दोस्तों, यहाँ पर वन प्लस टेन प्रो के कुछ इमेजेस जो है वो लीक्ड हुए हैं, जहाँ पर हेजल ब्लेड और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 सीपीयू की बात कही गई है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर जो इसके कैड इमेजेस लीक हुए हैं वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो कि काफ़ी डिफरेंट और यूनिक लुक दे रहे हैं इस फ़ोन को। दोस्तों, वन प्लस हमेशा ही अपने फ़ोन के डिज़ाइन सबसे अलग रखता है और यूनिक रखता है। दोस्तों, इस बार आपको 6.7 इंचेस का कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो बहुत ही छोटी सी स्मॉल सी चीन होगी और साथ ही साथ इसका जो पंच होल होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। यहाँ पर दोस्तों पंच होल के अंदर बायोनिक सेल्फी शूटर यूज़ किया गया है, जिससे कि फास्ट फोकस करने में हेल्प मिलेगी और इसका जो कटआउट है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पर कर्व्स होंगे फ़ोन के, वो काफ़ी ज़्यादा सडन होंगे, जो कि आपको ग्रिफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो रियर डिज़ाइनिंग होगी, वहाँ पर आपको स्क्वेरिस कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है, जो कि साइड से फ़ोन के साइड से कनेक्टेड होगा, जैसा कि आपने पहले सैमसंग के S21 सीरीज़ में देखा होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हेजल ब्लेड की जो ब्रांडिंग है वो आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिल जाएगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि इन तीन में से एक कैमरा पेरिस्कोप लेंस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 5x ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला आपको फीचर देखने को मिलेगा कैमरा डिपार्टमेंट में, जो कि एक कैमरा की क्वालिटी को और वीडियो की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। यहाँ पर तीन कलर अवेलेबल होंगे, ब्लैक, वाइट और ब्लू। इसके अलावा दोस्तों ओप्पो और वन प्लस के मर्जर होने के कारण आपको जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ पर मटेरियल यू का जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो कुछ आपके लिए नया हो सकता है। इसके अलावा टाइमली सिक्योरिटी अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात करो बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग अवेलेबल होगी 5000 mAh की बैटरी के साथ। दोस्तों यहाँ पर जो वायरलेस चार्जिंग का टैक है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है वन प्लस 10 के साथ। दोस्तों बात करो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 की, तो यहाँ पर इस प्रोसेसर को पहले स्नैपड्रैगन 898 कहा जा रहा था, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट सीपीयू माना जा रहा है, और इसके चलते जो वन प्लस 10 है उसकी स्मूथनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों बात करूँ लॉन्च की और प्राइस की, तो ऐसा माना जा रहा है कि लेट फेब या फिर अर्ली मार्च में आपको ये फ़ोन जो है लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो वन प्लस 9 प्रो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी वन प्लस 10 प्रो की, एकदम ज़्यादा हाई नहीं होगी, हो सकता है 1000 to 2000 रुपीज़ के आसपास जो है इफेक्ट आपको देखने को मिले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही टेक वीडियोज़ आपके लेकर आते रहते हैं।